Are you ready? It's my last day. Do you wanna soar by yourself? No. भाई मेरे को इनने घेर लिया दोनों ने और इंग्लिश का एक शब्द नहीं बोल रहे और मैं पागल हो गया स्पेनिश बोल के। अभी मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे रिलैक्स। ये रहा दाइंजू मेरा इंस्ट्रक्टर, वो पीछे गया अभी ऑस्ट्रेलिया से। तो एक और नए दिन में फिर से आपका स्वागत है और शरीर ना साथ साथ छोड़ने लग गया, मतलब 4 हफ्ते हो गए, 1 महीना रोज इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज और ढंग से रेस्ट मिल नहीं पाता। संडे होता है मेरे पास सिर्फ रेस्ट डे और कभी कभी मैं संडे को भी रेस्ट नहीं करता, उस दिन भी कुछ ना कुछ खेलने चला जाता हूँ। एक टखना मेरा टूट गया था सर्फिंग करते टाइम, पत्थर लग गया था इस पर बोलते, तो इस पर चोट लगी हुई थी। कल मेरा पंजा ही मुड़ गया दूसरे पैर का, कानों में भी मैंने आपको बताया पानी भरा हुआ है। तो मेरे को दरअसल फिजियोथेरेपी लेने की जरूरत थी जैसा मुझे फील हुआ, और कुदरती क्या हुआ मेरा ना यहाँ का दोस्त है एक लोकल, तो उसने अपने दोस्तों से मिला, उसमें से एक लड़की फिजियोथेरेपिस्ट थी और मेरे को फिजियोथेरेपी की, मैं सोच रहा था एक आधा सेशन ले लूँ ठीक रहेगा रिकवरी के लिए, तो अभी उसके पास जाने लग रहा हूँ फिजियोथेरेपी का सेशन लूंगा। इधर की दिखा रही है व्हाट्सएप लोकेशन, तो पर इधर किधर जाना है अपने को। बाकी एक प्रॉब्लम है ये ना, इंग्लिश नहीं बोलती बिल्कुल भी, सिर्फ स्पेनिश बोलती है। दो दोस्त ही है और होला कोमो एस्टास मुय बियन ग्रासियास Yarif, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No, ven, de este lado. Ok. Duler de brazos. Ok. Aquí. Ok. Y hombro. Poco. Flexión, extensión, poco. Mucho. ¿Vas a flexionar? Sí. ¿Duele? ¿Flexiona? ¿Duele? Poquito. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Por acá? Acá. Aquí. Pensativo. Aquí. Sí. Okay. Aquí, sí. Mira, vas a hacer aquí y vas a empujar. Okay. ¿Empuja? ¿Dolor? Dolor aquí. Ahí, duele. Sí. Okay. Sí. ये दोनों बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलती, सिर्फ स्पेनिश बोलती है। शर्म हो रहा है, ये दोनों लड़की है, टी शर्ट उतरवा दी। ¿Es esto un desgarro de ligamentos? No, es una tendinitis. Sí, ok. तो ये ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से टेंडनाइटिस होगी, ये बता रहे जैसा कि यूजुअली हो जाती है ओवर यूज की वजह से। भाई मेरे को इनने घेर लिया दोनों ने और इंग्लिश का एक शब्द नहीं बोल रहे और मैं पागल हो गया स्पेनिश बोल के। ला कोमिदा सी कांता सी यो ले क्वाल देखा ब्रासो। वही जो हर जगह होता है फिजियोथेरेपी में, मोस्टली पहले ये रेडिएशन से पास करते हैं जेल लगा के, उसके बाद हीट देते हैं वो करेंगे, इसके बाद अभी ये जेल सा लगा रहे हैं। ये ऐसे घूर रही है खड़े हो गए सामने मेरे को, शर्म आने लग रही है। इट्स वेरी ऑकवर्ड फॉर मी, पर इनको कुछ समझ में नहीं आया। इस पे इधर तो इन्होंने एक करंट सा लगा दिया कुछ, इसमें करंट आने लग रहा है कंधे में, शुरू में तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, फिर मेरे को समझाना नहीं आया कम करो कम करो, नहीं लगा मैं कह रहा हूँ और बढ़ाओ और बढ़ाओ भाई और बढ़ाए। अब दूसरे हाथ पे कर रहे हो गया है पूरा। ये अभी बोल रही थी कि भी आप इतने तगड़े हो, आपका नाम क्या है, नाम का मतलब क्या है और ये सब, फिर मैं समझा रहा था कि भी परमवीर का मतलब जो सबसे ब्रेव हो। Voy a ocupar esto. Lo más que puedo. Y te vas a agachar. ¿Okay? Okay. Respira. Más. ¿Hay nada más? Yes.
तो भाई आज का फिजियोथेरेपी सेशन हो गया अपना खत्म। अल्मा मुचास क्रासियास यारे वेले सी सी क्रासियास ¿Qué? Creí que no recordabas mi nombre. Creí que no recordabas. Sí, Yare Belén. Mi pie de dolor también. Oh, el lunes. Ok. Lunes tu pie. अभी याद है, मेरे पैर में भी दर्द था, कमर में भी दर्द था, वो तो मैं बताने ही भूल गया। तो मंडे को एक और सेशन ले लेंगे। Bye. Bye. Muchas gracias. Lunes. Sí. Perfecto. मैं रूम में आया ना तो रूम दोबारा से साफ सुथरा मिला, एकदम सजा हुआ। ये सही है, मतलब बिल्कुल ना जचा के एक एक चीज रख जाते हैं यहाँ पे। जैसे मेरी ये गर्म पट्टी सी थी, ये भी बिल्कुल फोल्ड करके रख गए, टी शर्ट वगैरह तय करके रख गए। अब मैं जल्दी से कपड़े चेंज करता हूँ और निकलता हूँ सर्फिंग के लिए। तो पिछले एक महीने से मैं पोर्टो एस्कंदीदो में रह रहा था, यहाँ पे मैं सर्फिंग कर रहा था और स्पेनिश सीख रहा था, साथ ही साथ मैं और भी फिजिकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स कर रहा था यहाँ पे, जैसे कि वॉलीबॉल, बॉक्सिंग या जिम जाता था। आप लोग मेरी लाइफस्टाइल शायद देख चुके होंगे पिछली वीडियो में। और अभी मैं अपने जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, एक सर्फ हाउस है, उससे निकल के बाहर आया हूँ और मैं जाने लग रहा हूँ अपने सर्फ स्कूल की तरफ। आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे, मेरी आखिरी सर्फिंग क्लास है। हालांकि अभी दिसंबर चलने लग रहा है लेकिन यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, जैसे आप देख सकते हो। मोस्टली लोग बिना कपड़ों के ही घूमते हैं क्योंकि धूप बहुत तिखी है यहाँ की। आज मैंने कुछ ढंग से खाया नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ रास्ते में कुछ खा लूँ इस कैफे से, एल कैफे से, तो सही कॉफ़ी या साथ में कुछ ब्रेड वगैरह कोई चीज़ ले लूँगा, कोई इनकी बेकरी सी है उससे क्रोसा या कुछ खा लूँगा। हालांकि 15 मिनट बची है क्लास शुरू होने में, तो जल्दी से लेता हूँ। तो भाई ये है मेन्यू इधर का, सबसे बड़ा मेन्यू है मेरे ख्याल से इधर जितने भी रेस्टोरेंट्स है उनमें से इसका। खूब सारे ऑप्शन है और इंग्लिश और स्पेनिश दोनों चीज़ में। तो मैंने काफ़ी कैफेज़ ट्राई कर लिए, मोस्टली मैं इसी पे आता हूँ क्योंकि इस पे सारी चीज़ें हैं, मतलब आमतौर पे मैं, लेकिन इस पे वो खाता हूँ ऑमलेट सा, स्क्रैम्बल्ड एग्स, ऑमलेट नहीं सॉरी, हाँ भुज्जी, स्क्रैम्बल्ड एग्स, हुए वो इधर होगा एग्स, ये लेता हूँ मैं आमतौर पर। आला मैक्सिकाना स्क्रैम्बल्ड एग्स विद टमाटो ओनियन एंड चिली, ये तीन अंडे का होता है, इसमें ऊपर से मैं दो अंडे ऑर्डर करता हूँ, तो पाँच अंडे का ये खाता हूँ, साथ में मैं जूस पीता हूँ। ये आमतौर पर नमजाना होरिया ई बेताबेल, ये चकुंदर गाजर और संतरे का जूस, बड़ा गिलास है 55 मैक्सिकन पैसो। एक मैक्सिकन पैसो में इंडिया के 4.15 या 20 रुपये होते हैं, तो 55 यानी कि इंडिया के 230-220 रुपये का ये बड़ा है, आधा लीटर से ज़्यादा है शायद, जो भी है। तो उस हिसाब से आप रेट्स का आइडिया लगा सकते हो इधर क्या क्या रेट्स है। ये बाकी कैफे से थोड़ा सा महंगा है, पर उस हिसाब से देखा जाए तो यूरोप नॉर्थ अमेरिका से तो फिर भी काफ़ी सस्ता ही है। ये US डॉलर नहीं है, मैक्सिकन पैसो है। होला आला मैक्सिकाना कॉन दोस हुए वो एक्स्ट्रा सिन चिले और फावर ई नारन्हा जनाहोरिया ई बेताबेल ग्रांडे। तो ये आ गया भाई खाना मेरा, 5 अंडों की भुजी, साथ में बीन्स या राजमा जो अपने होते हैं, और ये ना साथ में आलू देते हैं, वैसे तो कभी बॉइल्ड पोटैटो देते हैं, आज ये देंगे फ्राइज, और साथ में कुछ ब्रेड सी, और ये मेरा जूस गाजर चकुंदर और संतरे का, और साथ में जो इनकी कौन सी बनी हुई तोर्तिया जो ब्रेड होती है रोटी इनकी, खूब सारी ये देंगे। खूब सारा खाना है, बढ़िया न्यूट्रिशियस खाते हैं अभी से। आज मज़ा नहीं आया यार खाने में, ये जूस मंगाया था, पानी दे गए नीरा, बर्फ़ डाल डाल के बिल्कुल यूँ लग रहा है, पानी पीने लग रहा हूँ, मज़ा नहीं आया बिल्कुल जूस में खास कर। यहाँ पे मैच चल रहा है आज अर्जेंटीना, और भीड़ देखो सारे कैसे देख रहे हैं। अल्बर्टो अगेन, सी यू। अर्जेंटीना ने अगर ये वाला स्कोर कर दिया तो अर्जेंटीना जीत जाएगी, देखते हैं। मैं तो अर्जेंटीना को जाना चाहता हूँ बाकी। लेकिन अगर अर्जेंटीना ये वाला डिफेंड कर देती ना तो भी अर्जेंटीना जीत जाएगी यार, क्या हो रहा है ये। जीत गई भाई अर्जेंटीना।
तो भाई सर्फिंग के एक और दिन में स्वागत है। मैं टी शर्ट पहन लेता हूँ मेरी। Las horas, todos se lloran sobre ti, babe. Pero mis ojos están tan secos como los besos que tú me diste. Ay, perdí un poco, a mí me hace loco, pero no como tú, no. तो भाई एक और दिन में स्वागत है सर्फ के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का दिन कल से बढ़िया जाएगा सर्फ करते हुए। टी शर्ट छोटी आ गई मेरी, हालांकि लार्ज साइज था सबसे बड़ा, पर मेरे को टाइट आने लग गई है बहुत ज्यादा। Wow, you look strong. I am strong. Just not in the ocean. Are you ready? It's my last day. Always we have to make it the best day. Do you wanna surf by yourself? No. I'm gonna surf with your surfboard today. Surfboard na alag alag hote hain. To jaise ye wale board jo aap dekhoge na, koi bada hai, koi chhota hai. ये मेरे ख्याल दाइंजु का है, छोटा है, इस पर मुश्किल होता है सर्फ करना। और हमें ये दूसरे देते हैं, बड़े है ये आसान होता है। ये और भी बड़ा है मेरे ख्याल से, नहीं इतना ही है, ये 8 फुट के है, ये 8 फुट का, ये 8 फुट का। शुरू में मेरे को कराते थे 10 फुट वाले से, अभी 8 फुट से कराते हैं, और इनसे तो कराते ही नहीं है। ये पता नहीं किसका है। दाइंजु, हूज बोर्ड इज दिस? दिस वन योर्स? आर यू अ प्रोफेशनल? लुक्स लाइक, बिकॉज़ How long have you been surfing for? 4 days. Okay. And where are you from? Italy? Barcelona. Oh, I was there in August. Where are you from? I'm from India. I was in Barcelona in August. Did you enjoy it? Loved it. Dainzu, can you say this? Jat ke thaat. Say jat ke thaat. Jak? Jat. Like jap? Jat. 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 Say jat. Jap. Jat. Jat. जाट सी जाट के ठाट जाट के ठाट से दिस जाट के ठाट 16 दुनिया सबके काबू नहीं आते जाट दैट इज वाइट टू हार्ट। तो भाई अब मैं कर रहा हूँ वेव का इंतजार, वेव आती वेव पकड़ के देखना कैसे जाऊंगा। तो भाइयों अभी मैंने बहुत मस्त वेव पकड़ी थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं देखी। अभी मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे रिलैक्स। ये रहा दाइंजु मेरा इंस्ट्रक्टर, वो पीछे गया अभी ऑस्ट्रेलिया से, वो अपनी वेव पकड़ रही है और आप काट रहे काच जाट के हाथ और खाट अपनी खाट समुद्र में। I don't want to kill Gabby, she's in front of me. I want to kill him. आज का दिन काफी अच्छा था, मैंने सारी वेव पकड़ी और बढ़िया एकदम एंड तक 20 तक पकड़ी। एक वेव पकड़ी उसके बाद पिछली आती थी वो भी पकड़ता, तीसरी पकड़ता। आज मेरे को एक भी वेव में कहीं भी कमी नहीं लगी, आज का दिन बहुत अच्छा था। कल पता नहीं क्यों मेरे से हुई नहीं सर्फिंग बढ़िया, और मेरे कान ब्लॉक हो रखे बिल्कुल, पानी भरा हुआ तो कुछ सुन नहीं रहा, इसमें तो परमानेंट ही चला गया। निकलने ही नहीं लग रहा। चलते बस में बैठते वापस अपने सर्फ हाउस पहुँचते। It is what it is, bro. What are you doing in the house? ये भाई हमेशा बोलता रहता है पलम्बी इन द हाउस। How did I surf today? Epic. 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 Better than you. Yeah. It was a good day. Yeah, it was a good day. Yesterday wasn't a good day. Today was much better. तो भाई आखिरी दिन हो गया ख़त्म सर्फिंग का, और अब सबको गुड बाय कहने का वक्त आ गया। रोज़ मतलब सर्फ करता था यूँ लगता ही नहीं था कि भी इतने मज़ेदार चीज़ है, पर अब आखिरी दिन है तो फील हो रहा है कि भी कितने ज़्यादा मज़े आते थे। रोज़ सर्फ बोर्ड पे सनसेट देखना, समुद्र के बीचों बीच सर्फिंग करते करते बीच में जैसे ब्रेक लेते थे तो सर्फ बोर्ड पे सनसेट दिखता था, इतना खूबसूरत, देखो कितना अच्छा है। रोज़ ये देख देख के अब वैल्यू रियलाइज़ हो रही है कि भाई इसको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा मैं। अब निकलते हैं वापस, वैन में बैठ के वापस जाएंगे।
तो आज हमने डिसाइड करा है कि पीए का कैन पी लेते हैं सारे। काफ़ी अच्छा सर्फिंग का दिन था, सारे मतलब रास्ते में रुका सुपर मार्केट से बाकी में गया सबके लिए एक एक छोटा पीए का कैन। कमरे पे आ गए और कुछ ही मिनट है मेरे पास आराम करने के लिए, उसके बाद दोबारा निकल रहे हैं जिम के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। आज आखिरी दिन था सर्फिंग का और बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट था मेरे लिए। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को इतनी पसंद आ जाएगी सर्फिंग। शुरू के 4-5 दिन में यूं ही लग रहा था कि ठीक है बस हो गया, शौक सा था और ख़त्म हो गए बस, अब जल्दी चलते आगे ट्रैवलिंग कंटिन्यू करें और इंडिया भी जाना था घर अपने वापस। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की थी कि मैं इतने पैसे खर्च करके दुनिया के दूसरे कोने में घर वालों से दूर कोई ऐसी चीज़ सीखने लग रहा हूँ जो शायद अपने हिसार में हरियाणा में नॉर्थ इंडिया में कभी काम भी नहीं आई, क्योंकि समुद्र ही नहीं है, पता ही नहीं होता, मेरे को ही नहीं पता था क्या होती है सर्फिंग। और ना मैं हमेशा से बहुत इनडिसिप्लिन था, कुछ अपना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा लगा लो या घर वाले पैसे भरते थे हर चीज़ के, स्कूल के कॉलेज के, तो मैं कभी भी किसी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं था, रेगुलर नहीं था, स्कूल में भी नहीं जाना, कॉलेज में भी गया क्लास से नहीं लगाई कभी, हमेशा ऐसे ही रहता था। और अब फाइनली मैं खुद से पैसे भर रहा हूँ, कोई चीज़ सीख रहा हूँ दुनिया के दूसरे कोने में घर वालों से दूर, और कोई ऐसी चीज़ जिसका शायद काम भी नहीं है जिधर मैं रहता हूँ इंडिया में उससे कभी। तो मेरे को इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिलीजियसली ये चीज़ सीखनी थी और सीरियस होके डिसिप्लिन के साथ, इस चीज़ का मेरे को डर था अगर मैं नहीं करूँगा ना तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँगा, मतलब मेरे से बेकार आदमी कौन होएगा जो मतलब ऐसे कर रहा है इतनी बेवकूफ़ी। पर फॉर्चुनेटली मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करी, टाइमली मैंने सारी क्लासेस लगाई और मुझे नहीं लगता मेरे से पहले से भी जो सर्फिंग सीख रहे थे मेरे बराबर जो आए थे मेरे से जल्दी किसी ने इम्प्रूव कराया सीखा, तो मैं उस चीज़ को लेके काफ़ी खुश हूँ। और सिर्फ सर्फिंग और स्पेनिश ही नहीं, इसके साथ मेरे जो और शौक थे और जो स्पोर्ट्स थे या जिम जाना, मैंने वो भी साथ साथ पूरे करे और टाइम से खाना बनाया, खाया अच्छा खाना खाया, जल्दी टाइम से सोया, टाइम से उठा, तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हुई। एक छोटा सा खुशी का मोमेंट है मेरे लिए और काफ़ी तो नहीं पर मतलब प्राउड फील कर रहा हूँ अपने आप के लिए इस चीज़ को लेके। और बस यही रेस्ट था जितना था सर्फिंग से, आगे और अब जिम का टाइम हो गया, लेग्स ट्रेन करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा बॉडी पे लोड पड़ा, एल्बोज में दोनों में दिक्कत आई, कंधे में, दोनों पैरों में, अगर रेस्ट नहीं देते अब मैं संडेज को भी काफ़ी बार ट्रेन करता तो हो ही जाते होगी। पर एनीवेज सब कुछ बिल्कुल वर्थ इट था और काफ़ी मज़ेदार सफ़र था और चल ही रहा है अभी सब, अभी अपन चलते हैं जिम में। ये है जिम बेसिकली जिधर मैं ट्रेन करता हूँ, SU जिम एंड क्रॉस ट्रेनिंग नाम से, चलते हैं अपन अंदर। इधर क्रॉस फिट का सेक्शन है, अंदर वेट्स का सेक्शन है। होला, ये तो नीचे वाला सेक्शन है जिम का, आज तो खाली सा पड़ा है, नहीं रोज इससे ज़्यादा भीड़ होती है। इधर बेसिकली चेस्ट और बैक ट्रेन करने का सारा इलाका है, लेग्स का पूरा ऊपर है, तो मैं जाऊँगा ऊपर। शायद मेरा सर इंस्ट्रक्टर भी यहीं पे होगा डाइनजू, वो भी इसी टाइम आता है, कह तो रहा था मिलेगा पर क्या पता वो चला ना गया। ऊपर वाला सेक्शन सारा मोस्टली लेग्स ट्रेन करने के लिए, इधर केबल क्रॉस ओवर वगैरह, इधर एक स्मिथ मशीन सी और स्क्वाट रैक और सारी लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल्स की सारी मशीन, लेग प्रेस वगैरह, बढ़िया है मतलब एक ही बेंच प्रेस है, काम चलाओ। पहली एक्सरसाइज मेरी पूरी होगी लेग एक्सटेंशन, और ये जो आप देख रहे हो ये दोनों लड़के मीठे हैं, यानी कि बहुत स्वीट है दोनों। और अब करते हैं अपन हैमस्ट्रिंग। यार यहाँ पे ना जिम में एक दिक्कत है, एक चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, लड़का लड़की फालतू की हरकतें करने लग जाएंगे, लड़के लड़के भी जो मतलब गे है इस जिम में करते रहते हैं, इस जिम में नहीं हर जगह ही मैक्सिको में खासकर, मतलब जिम भी नहीं छोड़ते, एक्सरसाइज तो आदमी पूरा ध्यान लगा के एक जगह करता है। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा एक्सरसाइज करते हुए ज़्यादा, क्योंकि मेरे को इंटरफेरेंस पसंद नहीं एक्सरसाइज करते हुए ज़्यादा, और ये लोग यहाँ पे भी लगे हुए, ये जगह भी नहीं छोड़ी इन्होंने। वैसे आमतौर पर मैं अपना लेग्स का वर्कआउट हैवी स्क्वाट से शुरू करता हूँ, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी पे ऑलरेडी जोर पड़ने लग रहा है, इतनी एक्सरसाइज रोज़ होती है सारा दिन, तो इसलिए मैं आज का वर्कआउट काफ़ी लाइट रख रहा हूँ। और आज मैंने आइसोलेशन एक्सरसाइज से वर्कआउट स्टार्ट करा, जैसे लेग एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग कर्ल, और स्क्वाट्स मैं लास्ट में करूँगा हल्के, मतलब कम वेट से, ज़्यादा हैवी नहीं जाऊँगा, 100-150 किलो नहीं उठाऊँगा, बिल्कुल लाइट वेट से 70-80 किलो मेरे ख्याल से उसे रैप्स लूँगा ज़्यादा, और फिर वर्कआउट ख़त्म करूँगा, लाइट वर्कआउट रख रहा हूँ बिल्कुल आज, और करता हूँ जल्दी से ख़त्म, अब वर्कआउट के बाद ही मिलता हूँ आपसे मैं। तो भाई लेग डे के बाद अगर आपकी भी ये हालत ना हो इसका मतलब आपने वर्कआउट ठीक से नहीं किया, हालत टाइट होगी भाई। चलो तो जिम से आगे अब ये पूल में ठंडा पानी है रिकवरी के लिए, 10-15 मिनट इसमें रहूँगा, लास्ट में मन सा मानना नहीं, तो
हैवी स्क्वाट्स करी एंड में वर्कआउट ख़त्म करते टाइम, और लास्ट में एनर्जी भी कम बचती है तो इसलिए उसमें हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अभी ऊपर जाके नहाऊंगा और फिर डिनर करूँगा।